हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों से मिल रही हूँ फेस टू फेस। आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, क्योंकि परसों यानी 1 तारीख को मेरी सबसे छोटी वाली बेटी का बर्थडे है, तो उसके लिए सोच रही हूँ कुछ ले लूँ। अब देखें क्या पसंद करती हैं, फिर आएंगे मार्केट से तो फिर आपको मैं दिखाऊँगी कि मैंने क्या लिया है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आके। शॉपिंग करके आ गई वापस, और सबसे छोटी वाली बेटी का बर्थडे है 1 तारीख को, जैसा कि मैंने बताया 1 सितंबर को। और उसने अपने लिए जो ड्रेस पसंद किया है, देखिए ये एक अंदर इनको स्पैगेटी पहननी पड़ेगी बिल्कुल केक की तरह। ये जींस जो आजकल के बच्चे पसंद करते हैं, ये शर्ट, और दो ऐसे होजरी में टी शर्ट टाइप का ये है, ये इसलिए लिया गया है। मॉम इज मैजिक। केक ये है ग्रीन कलर में, ये बर्थडे कलर। और फिर जो मेरी दूसरी बेटी है बीच वाली, उन्होंने लिया इतना सारा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये शर्ट, ये होजरी वाले जितने आते हैं, ये है रीसेट। रिप्लाई एक ब्लैक नहीं था इसलिए चाहिए। कितना ली हो, ये देखिए, ये बर्थडे गर्ल से ज्यादा। एक ये टॉप प्लस एक बड़ी भी है, उसके लिए भी लिया गया। उसने कहा मेरे लिए भी लेके आना कुछ, तो उनके लिए भी ये ऐसे टी शर्ट घर में पहनने के लिए। यहाँ पे नहीं है लेकिन डिमांड सबकी रहती है। एक ये तो अभी तो ये देखने के बाद उनका पता नहीं क्या रिस्पॉन्स आएगा। इतनी सारी शॉपिंग हुई है और अब देखिए अपना फोल्ड कर लेना है। देखा आपने ये सारी शॉपिंग मेरी इन दो बेटियों की, एक तो है ही नहीं है यहाँ, उसका अभी रहेगा जब वो आएंगी दिवाली पे। अभी तो कॉलेज टाइम में है तो अभी ये सारी चीज़ें, तो आज मैंने ये सारी चीज़ें खरीदी हैं। और जो मैं आपको पजामी बता रही थी वो भी मैंने डाला हुआ है, आप देखिएगा। इसके बाद थोड़ा सा मैंने उसको बताया है और अगला फाइनल पार्ट मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। तो फिर आप ये सब देखिए और बताइए कि कैसा लगा, और मैं क्या बताऊं। जो मुझे बताना है कुछ चीज़ें मैं ले आई हूँ शॉपिंग करके, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे स्टिचिंग वगैरह के लिए। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे फिर कल। रात हो रही है धीरे धीरे और आज है थर्सडे, मेरा फास्ट है। तो अब ये लोग खा पी के जो करें, मैं तो थक गई हूँ, आज चलूँगी सोऊँगी थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत थक गया है और फास्ट की वजह से मन भी नहीं कर रहा। चलिए फिर रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ममता की लाइफ में स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये जो फेस वाली डिजाइन का हम लोग पजामा बना रहे थे, वो जैसा कि मैंने आपको कहा
ये मैंने टोटल 60 सिलाई बना लिया है। जैसे कि स्वेटर में मैंने 70 सिलाई बनाया था आस्तीन हटाने तक, तो इसमें मैंने 60 सिलाई बनाया है। 10 सिलाई में अभी हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे। फंदे बढ़ाने के लिए दोनों तरफ से हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। ये हमारा एक साइड का पैर है, दूसरा पैर हम अलग से बनाएंगे। तो ये देखिए, जब भी हम किसी छोटे बच्चे का पजामा बनाते हैं, चाहे वो न्यूबॉर्न का हो, 6 महीने का हो, साल भर का हो, या 2, 4, 5, अब जितना बड़ा स्वेटर अगर बना रहे हैं, तो उस स्वेटर से हमारा जो पजामा होता है वो हम 2 या 3 अंगुल बड़ा रखते हैं। तो उसके हिसाब से अभी ये ऊपर ज़्यादा बिना जाएगा, लेकिन अभी नीचे जहाँ से हमने पल्लों में स्लीव घटाना शुरू किया है उससे 10 सिलाई पहले मैंने ये नाप रखा है। क्योंकि मेरे पल्ले में 70 सिलाई है, तो मैंने ये 60 सिलाई बना लिया है। अब हम इसमें दोनों साइड से फंदे बढ़ाएंगे 5 बार। 5 बार बढ़ाने के बाद अगर मेरा देखेंगे मेरा ये डिजाइन ऊपर जो मुझे जाली डालनी होती वो सेट हो जाएगा, तो 5 बार, नहीं तो फिर मैं 6 बार बढ़ाऊंगी। तो अभी मैं इसमें 5 बार फंदे बढ़ाऊंगी, और इस समय मेरे इस पल्ले में जो है 83 फंदे हैं। तो जब मैं 10 फंदे मैं दोनों तरफ से करके बढ़ा लूँगी, 5 इधर 5 इधर, तो मेरे टोटल 93 फंदे हो जाएंगे। तो अब यहाँ से हम देखिए दोनों साइड में इस तरीके से, यहाँ स्टार्टिंग में पहला फंदा उतारने के बाद दूसरे फंदे में, और फिर लास्ट में फंदा हम बढ़ा लेंगे। इस तरीके से हम पहले बिन लेते हैं, ये देखिए अब हम लास्ट में आ गए। तो यहाँ पे ऐसे ये जो 2 फंदे बच जाते हैं उसके पहले वाले फंदे में हम इस तरीके से फंदे बढ़ा लेंगे। अब ये उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना है, हर सीधी सिलाई में हम फंदे बढ़ाएंगे। एक बार ये मेरा बढ़ चुका है, और 4 बार हम और बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से हमारे टोटल 70 सिलाई पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से अब हम इसको बिन लेते हैं। पहले ये पूरा उल्टा उल्टा उल्टे तरफ से पूरा उल्टा बिनना है, और सीधी साइड में बस हमको फंदे बढ़ाने हैं। टोटल 5 फंदे, यानी मेरे 83 फंदे से 10 फंदे बढ़ने के बाद टोटल मेरे 93 फंदे हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए अब हम इसको पहले बना लें। ये देखिए फिर मैं अगली सिलाई में आ गई हूँ। तो ये पिछले बार हम लोगों ने जो फंदे बढ़ाए थे, तो उसको ये देखिए इस तरीके से हर सेकंड वाले फंदे में हम फंदा बढ़ाएंगे। तो आप जब इसको पास से देखिए तो ये देखिए इस तरीके से फंदा दिखेगा बढ़ा हुआ। तो अब हम इसको बढ़ा लेते हैं पहले पूरा, यानी कि टोटल 10 फंदे दोनों तरफ के मिला के हमारे हो जाएंगे। तो फिर हम ऊपर आगे की बिनाई करेंगे। ये देखिए ये मैं लास्ट में आ गई हूँ, जैसा कि मैंने कहा था 10 सिलाई बिनने पे। तो ये मेरी जो 60 सिलाई के बाद जो 10 सिलाई मैंने आपको बताया था फंदा बढ़ाते हुए, तो ये मेरी 10वीं सिलाई है। अब इसको बिनते हुए इसमें मेरे टोटल 93 फंदे हैं। आप अपने बच्चे के हिसाब से इसका लंबाई ले सकती हैं। अगर ये छोटे बच्चे के लिए है तो ये नाप सही है, ये मतलब 3 साल तक के बच्चे को आराम से आएगा। ये देखिए ये जो लास्ट वाला फंदा है, यहाँ पे मैं ये वाला जो ऊन है ऐसे डाल के एक निशानी के लिए इसको यहाँ पे बांध दूँगी। अब इसके ऊपर की जो मैं बिनाई करूँ उसके लिए मुझे बार बार गिनना ना पड़े। एक मैं पिन भी लगा सकती हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से बांध देती हूँ। अब देखिए आप यहाँ से देखिए, ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये मैंने जो फंदे बढ़ाए 1, 2, 3, 4, और ये यहाँ पे ये 5वां फंदा। अब टोटल मेरे इसमें 93 फंदे ये देखिए आपको दिख रहा होगा। अब इसके ऊपर यहाँ के बाद से ये जो मैंने ये लगा दिया, यहाँ के बाद से अब हम 50 सिलाई बिनेंगे, यानी जो टोटल हमारा ये जो केबल आएगा वो 25 आएगा। तो 50 सिलाई बिनने के बाद फिर मैं बताऊंगी ऊपर कि ये जाली ऊपर कैसे हम इसमें सेट करेंगे, जिसमें आप या तो डोरी डालिए या फिर आप इलास्टिक डाल सकती हैं। छोटे बच्चे का है, जैसे चाहे आप उसको रख सकती हैं। तो डबल मैं नहीं बनाती हूँ, डबल बनाने में एक्स्ट्रा ऊन ये जो ऊन है वो लगता है। तो इससे अच्छा है कि आप सिंगल बना लीजिए, उसमें जाली बना दीजिए, और आप या तो डोरी डाल दीजिए या फिर इलास्टिक डाल दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। तो ये देखिए इतनी लंबाई ये करने के बाद अब मैं
ऊपर 50 सिलाई बनाने के बाद फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि ऊपर हम जाली कैसे बनाते हैं। पजामा में दोनों पैर एक जैसे बनेंगे, चाहे आप डिजाइन वाला बनाइए चाहे बिना डिजाइन वाला। तो ये फिश वाली डिजाइन जिस तरीके से इसमें सेट हुई है उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो वो मैं आपको, ये जो है अगला इसका पार्ट जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी।